सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल शूटिंग रेंज में मॉक असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो वायरल हुई है और शायद आप में से लगभग हर किसी ने ये वीडियो अभी तक देख ली होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वर्चुअल शूटिंग रेंज है क्या और इसका फायदा क्या है? तो आज के एपिसोड में हम आपको इसी वर्चुअल शूटिंग रेंज या फिर यूं कहें वर्चुअल फायरिंग रेंज के बारे में एक क्विक अपडेट देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। शूटिंग रेंज या फिर फायरिंग रेंज उस खास तरह की फैसिलिटी को कहा जाता है जिसे मुख्य तौर पर अलग अलग तरह के फायर आर्म्स यानी कि अलग अलग तरह की गन्स को ऑपरेट करने की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ शूटिंग रेंजेस को मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है और जबकि कुछ प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज द्वारा। यानी कि शूटिंग रेंज एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देता है जहां पे आप सुरक्षित तरीके से अपनी शूटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो रियल शूटिंग रेंजेस होती है वहां पे रियल गन्स और रियल बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसकी तुलना में जो ये वर्चुअल शूटिंग रेंज है ये आपको किसी रियल शूटिंग रेंज की तरह ही एनवायरनमेंट देती है, लेकिन यहाँ पर किसी रियल गन के बजाय मॉक गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह की शूटिंग रेंजेस में एक डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस स्क्रीन पर टारगेट्स होते हैं और इन टारगेट को शॉट करने के लिए जो गन आपके पास होती है वो एक रियल बुलेट के बजाय अलग अलग तरह के सेंसर्स का इस्तेमाल करती है। और इस वर्चुअल शूटिंग रेंज में आप बिना कोई रियल बुलेट बेस किए बिना अपने शूटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको शूटिंग के लिए एनवायरनमेंट मिलता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल शूटिंग रेंजेस की तरह ही होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इस तरह की वर्चुअल शूटिंग रेंजेस एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट देती हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल बुलेट्स इस्तेमाल नहीं होती हैं, जिस वजह से किसी भी तरह की चोट लगने का कोई खतरा नहीं रहता है और इससे ट्रेनिंग के अंदर अपनी शूटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और एक काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और चूंकि इसमें कोई भी रियल बुलेट इस्तेमाल नहीं हो रही है तो इसीलिए इस वर्चुअल शूटिंग रेंज का इस्तेमाल करके सोल्जर्स की शूटिंग ट्रेनिंग के दौरान बुलेट्स पर आने वाले खर्चे को भी कम किया जा सकता है। और चूंकि इसमें कंप्यूटर सिस्टम और सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं तो इसकी मदद से आप डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और इस वर्चुअल शूटिंग रेंज में एक सोल्जर जिसे अपनी शूटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है वो बिना किसी बैटल में जाए एक रियल बैटल जैसा एनवायरनमेंट हासिल कर सकता है जहाँ पे वो अपनी बैटल स्किल्स को परख सकता है। और ये वर्चुअल शूटिंग रेंज है ये एक मिलिट्री ग्रेड की वर्चुअल सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और जब आप इस रेंज में अपनी शूटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप ट्रेडिशनल शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस रेंज को रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पर गन के साउंड से लेकर उस गन के डिजाइन तक लगभग हर चीज एक रियल एनवायरनमेंट की तरह ही बनाई जाती है। और कह सकते हैं कि जो वर्चुअल शूटिंग रेंज है ये सोल्जर्स को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एक रियल लाइफ डेंजर्स के लिए तैयार करती है। और इस टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस किए जाने पर काम चल रहा है ताकि सोल्जर्स की शूटिंग ट्रेनिंग में किसी भी तरह की कमी न आए। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।